लाइव हो गए सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ली भाई आपके खैरियत से हैं ठीक ठाक है। हैं माशाल्लाह वैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह हाउ इज कराची कराची इज अमेजिंग वेदर इज अमेजिंग माशाल्लाह अभी कड़क चाय पी है और मुझे नींद आ रही थी बस वोक में आप माशाल्लाह बड़ी कड़क चाय होती है कराची की सही 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 अल्हम्दुलिल्लाह और आज रफ्तारी थी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ए के कुछ प्लेयर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह तो कोकोनट ग्रुप में मुलाकात टीम में ना अब मैं देख रहा हूँ बड़ा एक रुझान दीन की तरफ आने का हो रहा है इज़ रियली गुड रियली गुड हमें दुआ करनी चाहिए इन सब बेशक 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 एक सवाल था अली भाई मेरा जिंदगी में माशाल्लाह आपने बहुत दावा का काम किया है यूथ के साथ बड़ा कनेक्टेड रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग आपको सुनते हैं कभी सोचा कि अल्लाह ताला ये मौका देंगे कि आप मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट करें <laughs> <laughs> नहीं ऐसा नहीं सोचा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज ये मौका दिया हमारी आंखों के सामने आपने मेहनत की और अल्लाह ताला ने आपको ये चांस दिया है बारक अल्लाह बेला यू माशाअ अमीन तो अली भाई आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन क्राइसिस जो जेनजी में हमें मसले देखने को मिलते हैं hmm. और इस पे हमारी बात हो रही थी यू वर टॉकिंग यू वर टेलिंग मी अबाउट द द द कन्वर्सेशन यू हैड विद अ गाय ऑन प्लेन रबातायर थे कि वेस्ट में जो है काफी सारे इश्यूज हैं जी जिसमें lgbtq हमारे अपने मुसलमान जो हैं वो इस इस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं और हराम रिलेशनशिप्स तो उस पे थोड़ा ज़रीन मैं अभी कराची जब आ रहा था तो फ्लाइट में एक साहब थे माशाल्लाह बड़े डिसेंट बहुत अच्छे और दाढ़ी थी उनकी उन्होंने मुझे पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद कुछ देर बाद फ्लाइट जब आधा घंटा गुजर गया तो आए मेरे पास और मेरा हाथ पकड़ के कहा कि ना आप जरा आए मैंने आपसे कुछ बात करनी तो मैंने कहा कहाँ पे चलेंगे ज़ाहिर है प्लेन में कहाँ बंदा जय कहते बस पीछे आ जाए खड़े होकर बात करते हैं तो अलहद को पंद्रह मिनट बीस मिनट उनसे बात की और आ, उनके अल्फाज मुझे याद हैं कहते हैं कि अली भाई मैं सिर्फ आपको कुछ इंसाइट्स देना चाहता हूँ कि इस वक्त कैनेडा में क्या चल रहा है मुस्लिम यूथ के साथ कि मैं खुद एक सत्रह साल की बच्ची का जनाजा पढ़ाया और माशाल्लाह लग रहे थे कि वो ही मस्ट बी लीडिंग सम प्रेयर्स ओवर देयर तो कहते पता नहीं उसने सुइसाइड की थी या क्या वजह थी तो मैं है बड़ा हैरान हुआ कि यार सत्रह साल की बच्ची का सुइसाइड का क्या काम है बहरहाल उन्होंने फिर स्टोरी सुनाई कि वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी करना चाहती थी तो उसके पेरेंट्स ज़ाहिर है वो बड़े कंसर्न थे वो नहीं अलाउ कर रहे थे तो शी एंडेड अप कमिटिंग सुइसाइड फिर उन्होंने बताया कि अली भाई एलजीबीटीक्यू जो जेंडर आइडेंटिटी की डिबेट है इतनी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है हमारे बच्चों में फिर जिना किस तरह से आम हो रहा है अल्लाह माफ़ करे और ये ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं टेक्सटिंग सेक्सटिंग एवरी तो माशाल्लाह उनकी बड़ी एक इनसाइट थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि अली भाई वी नीड फाइव थाउजेंड यूथ क्लब टाइप ऑर्गेनाइजेशंस एक काम है पाँच हज़ार हमें कम से कम चाहिए अगर हमने यूथ के इश्यूज को सॉल्व करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर उन्होंने मुझे ख़ास कहा कि इस पे आप ज़रूर बात करें तो मैंने कहा जी सिमिलर इश्यूज यहाँ पाकिस्तान में भी चल रहे हैं हमारे यूथ व्हाई डू यू थिंक दैट इज ऐसा ऐसा इस इसका रूट कॉज क्या है इस तरह के इश्यूज का आना क्या माँ बाप की तरबियत ना होना या दीन से कनेक्शन ना होना आई थिंक माँ बाप एक इल्यूजन में रह रहे हैं इट्स हार्श बट दिस इज़ द रियलिटी माँ बाप समझ रहे हैं कि बस हम लगे रहें मेहनत करते रहें पैसा कमाएँ बच्चों के लिए आसाइशें आसाइशों वाली ज़िंदगी तैयार करें क्वालिटी लाइफ देने के लिए उन्हें डबल डबल जॉब्स भी करें तो करें और बच्चे इग्नोर हो रहे हैं बच्चे जो है वो टी वी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बच्चों को पैसिफाई करने के लिए हमने वो गैजेट्स पकड़ा दिए टैब्स मोबाइल्स वग़ैरह तो आई थिंक के पेरेंट्स आर लिविंग इन एन एलूजन एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड के हम जिस दौर में रह रहे हैं वो तो दौर फितन है इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए एंड वी रियली नीड टू गिव आर चिल्ड्रन टाइम मेरे मेरे नजदीक बुनियादी वजह जो है ना वो वह और मैं आपको अगर एक बात बताऊँ मैं जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं मेरा दुनियावी सर्कल बहुत बड़ा सर्कल है hmm. uh, तो मैं जब उनके साथ बैठता हूँ ना तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं ड्रग अब्यूज कि तुमने वो ट्राई किया तुमने वो ट्राई किया और फिर गर्ल को डिस्कस करना कि मेरी गर्ल ने ये हुआ और फिर वो पूरा ड्रामा और पूरा वो सीन तो मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि ये चीजें हमारे लिए इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं ना कि अब हमें इनमें कोई गंद नहीं दिखता सही हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और अपने सोसाइटी और अपने अपना अपना एक पार्ट बना लिया ट्रू हर हराम काम को हमने अपने लिए डिसेंसिटाइज कर लिया मतलब हम इनको एक बहुत इनोसेंट सेंस समझते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है कॉलेज जा रहे हैं गर्लफ्रेंड हर किसी की होती है तो बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, भी है तो इस पे अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि यूथ जो है ना आई गेस स्कूल्स की तरफ से भी और वैसे भी हमारी जो एक गैदरिंग है ना एक एक जो जो जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं इट इज़ इट इज टोटली अगेंस्ट इस्लाम इट इज़ नॉट 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 रेल जिस जो आपको दीन की तरफ ले जा रही है क्योंकि हमें ना स्कूल्स में ना घर में कहीं पे भी दीन की तरबियत नहीं मिलती हमें जब सही गलत की तमीज छोटी उम्र से ही नहीं सिखाई जाती ना तो हम बाहर से चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और जब मैं कॉलेज जाता हूँ यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहां पर ये तो नेचुरल है ये चीज़ करना तो हर किसी के लिए ओके है तो एक छोटा सा टू सेंट मैंने कहा मैं भी इसमें ऐड कर करता बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही हैं बल्कि आपको तो ज्यादा पता होगा हम तो अब वो उस एज ग्रुप से निकल गए आप तो माशाल्लाह स्टिल यूथ में ज्यादा बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो देखें पिछले बीस साल में कुछ हुआ है अगर मैं अपने यूथ को देखूं या अपने बचपन को देखूं तो यस वी वर डिस्ट्रैक्टेड और हम शायद दीन की तरफ उस तरह से माइल नहीं थे लेकिन देखें हमारी हया और वैल्यूज जिंदा थी ये बीस साल में पता नहीं क्या हुआ है कि इतना इतनी डिस्ट्रैक्शन बढ़ गई हैं और इतनी ख़राबी पैदा हो गई है कि यूथ अब जो है ना वो इस पर बात ही करना पसंद नहीं करते वैल्यूज़ पे मोरलिटी पे मजहब पे रिलीजन पे इला ये कि अल्लाह किला सुना की तरफ से कोई फजल हो जाए तो समथिंग हैपन इन दीज ट्वेंटी ईयर्स पता नहीं मीडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है इन चीज़ों को या पेरेंट्स की नेगलिजेंस है या शैतानी वार इतना बढ़ चुका है नोसत इतनी बढ़ चुकी है अल्लाह माफ करे। आई गेस हम बम्बार्ड हो रहे हैं अली भाई हम मीडिया की तरफ से हमारे ऊपर कॉन्स्टेंट बम्बार्टमेंट है इस तरह की चीज़ों की क्योंकि हमारा जो मोरालिटी का जो की जो डेफिनेशन हम मीडिया से डिराइव कर रहे हैं yes. हम वेस्ट से डिराइव कर रहे हैं और अगर आप देखें रिसेंटली निकलोडियन ने अपने कितने सारे कैरेक्टर्स को गे अनाउंस कर दिया डोरा hmm. दर hmm. जिसकी एज सिर्फ तीन साल है शी इज इज गे गे स्पंज बॉब इट्स इट्स नॉट इवन नाउ तो हमारे लिए इतने फितने नहीं थे शायद लेकिन जो नेक्स्ट जो कमिंग जनरेशन है ना उनके लिए ये फितने और ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमें hmm. देखने को मिलेंगे क्योंकि उनको बहुत छोटी उम्र से इन चीजों के लिए कंडीशन किया जा रहा है उनकी उनको ये बताया जा रहा है कि ये चीज नेचुरल है yes. अगर एक बच्चा स्पंज बॉब देखते हुए आ रहा है और hmm. उसको ये बात सटल तरीके से कहीं ना कहीं दस एपिसोड के बाद एक एपिसोड में बताया दी जाती है कि स्पंज बॉब की है तो उसके लिए गे होना नेचुरल। सही सही। तो मीडिया की बम्बार्टमेंट भी है और आई वुड से पेरेंट्स जो है ना जब बात हाथ से निकल जाती है ना hmm. तब उनको रियलाइज होता है कि मसले शुरू हो गए पेरेंट्स की एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं अपनी औलाद के साथ एक रिलेशन बिल्डिंग वाला कोई कोई ताल्लुक हमारे स्पेशली हमारे इस पाकिस्तानी कल्चर में बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो औलाद के साथ बैठते हैं उनसे वो रिलेशन बिल्ड करते हैं उनको समझाते हैं तो आई गेस अगर पेरेंट्स जो है ना शुरू से इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि जिस दौर में हम रह रहे हैं इट्स फुल ऑफ फिटनास और उस तरह से वो अपनी औलाद के साथ बैठ के उनको वन ऑन वन काउंसिल करें तो आई गेस ये चीजें काफी हद तक कम हो जाती हैं सही कह रहे हैं देखें इफ योर चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू तो समेर डाउन द लाइन आई थिंक आपसे कहीं कोई मिस्टेक हुई है यानी आप रिस्पेक्ट को कमांड नहीं कर पाए बाकी ये कि अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश बन जाए ये एक अलग केस है लेकिन अदरवाइज हमारी ही है देखे बच्चा जिसके साथ टाइम स्पेंड करेगा वो उसी की तरफ माइल होगा जब ना बाप ने ना माँ ने इतना टाइम स्पेंड किया तो फिर बच्चा इतना माइल नहीं होगा जैसे हमारे पास वेस्ट से जो काफी लोग आते हैं माशाल्लाह यूथ क्लब को विजिट करते हैं जब भी वो पाकिस्तान आते हैं तो वो लिटरली uh, हाथ जोड़ कर कहते हैं कि ना मेरे टीन बच्चों को बचा लें यानी वो बहुत गलत साइड पे क्लबिंग पबिंग यू नेम इट गेमिंग हर वक्त करते हैं ठीक है और ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कितनी एज है तो सतारह अठारह साल तो मैं दिल में सोचता हूँ कि यार देखें आ, अब हम क्या करें मतलब हम अब एक दिन में हम उन्हें कैसे चेंज कर दें हमारे पास कोई मैजिक फॉर्मूला तो नहीं है ना कोई वॉन्ड तो नहीं है हमारे पास मैजिक वॉन्ड के बस हम उसको यूं घुमाएंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा तो कुछ तो खराबी हुई थी ना डिसीजन मेकिंग गलत हुई थी बहरहाल अल्लाह ऐसे लोगों की मदद करे mm. हम मायूस नहीं करना चाहते उन mm. लोगों को अल्लाह उनकी मदद करे चले उन्हें अब रियलाइज हो गया अल्हमदुल्ला बट माई पॉइंट ऑफ टेलिंग इज के देखें टेक गुड डिसीजन बिफोर इट्स टू लेट स्पेशली जिनके बच्चे अभी ग्रोइंग एज में हैं, यू शुड सी के बच्चा क्या देख रहा है आपको बच्चे को गाइड करना है बच्चे की समझ नहीं है उसका प्री फ्रंटल ही डेवलप नहीं हुआ अभी जो एक अकलमंदी की आप कह लें का पार्ट है ब्रेन का उसमें अकलमंदी अभी नहीं है अगर आप हमें देखें हम भी ऐसे ऐसे काम करते थे जो बेवकूफाना काम थे तो पेरेंट्स गाइड होते हैं पेरेंट्स ने दोस्ती करनी होती है बट हैविंग सेड इट मैं यूथ से भी कहूंगा जो इन सुन रहे हैं कि देखें बी स्मार्ट uh, अब आप बच्चे नहीं हैं यू शुड नो कि मीडिया क्या दिखा रहा है और किधर ले जा रहा है और ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है यानी uh, बच्चों से बच्चियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद सोचें कि उन्होंने किसी भी चीज का नैरेटिव बिल्ड करना होता है जैसे एल का नैरेटिव है तो वो जैसे आपने कहा ना कि वो एक फेवरेट कैरेक्टर बच्चों का उसको गे बना देंगे दूसरा ये कि वो ऐसी स्टोरी दिखाएंगे कि जी वो बंदा बुलेट है बुली किया जाता है उसे बड़ा ही ना वो बेचारा है और इंतहाई नेक इंसान है यानी ही और शी हेल्प्स पीपल बट उसका कसूर सिर ये है कि वो सेम जेंडर से मोहब्बत कर तो लिहाजा वो बेचारा है तो नेटफ्लिक्स अली भाई अगर आपने रियलाइज किया और बाकी भी जो मीडिया प्रोडक्शन एजेंसीज हैं वो एक पैटर्न यूज करता है वो पैटर्न क्या होता है कि वो एक कैरेक्टर दिखाता है और वो उस कैरेक्टर को आ, दिखाता है कि वो कैरेक्टर या तो बुली होता है yeah. और या तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर स्टैब्लिश होता है hmm. जिससे जो ऑडियंस होती है वो उसको जज करती है कि hmm. ये बुरा कैरेक्टर है hmm. और कुछ टाइम बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्टोरी अनवील करते हैं hmm. और फिर एक टाइम पे वो बताते हैं कि ये बुरा नहीं है hmm. असल में इसके साथ बुराई भी और शुरू से ये होता है कि वो है। तो वी ह्यूमन क्योंकि हम ऑलरेडी एक दफा जज कर चुके थे और हम गलत थे तो हम दूसरी दफा जज करने भी सीजन को देख लें। एक बहुत हमारा है हमने इस पे पूरा एक पॉडकास्ट भी किया था मनी हाइस्ट उसमें एक कैरेक्टर है बर्लिन का अच्छा तो वो शुरू में बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हैं कि वो जो डिसीजंस ले रहा है वो टीम को सेबोटाज कर है जेपोटाइज uh, कर रहे हैं मसले मसाइल में डाल रहे हैं और फिर एंड में पता चलता है कि ये जो सब कुछ उसने किया ना इट वॉज बीज और फिर एंड में वो उसको मार देते हैं जान हाँ। उनके लिए दे देता है और फिर बाद में, में पता वो एक सिंपति वाला एलिमेंट डिवेलप करवाते हैं आपको सिंपति आपके लिए दिल में डालते हैं तो जी स्विच करें कैमरा ये चुपके चुपके, चुपके से, से चुपके से आ रहे आ रहे हैं लोग हैरान हो गए पॉडकास्ट शुरू हो गया दस बारह मिनट गुजर गए वजी भाई, भाई की तरफ आया और आप कह रहे हैं हम खामोश रहे वजी भाई का थंबनेल में शक्ल मौजूद है लेकिन वजी भाई नजर नहीं भाई आ रहा नहीं मैं एकदम से आते हुए मैं लेकिन इसमें थोड़ा सा जरेन जो है बात नहीं सुनता ना तो असल में मैं चाह रहा था कि खामोशी जा के बैठ जाऊं बोल रही थी देर से आप लोग बात कर रहे आप मुझे ये मतलब कैमरा ही नहीं किया आपने लेकिन वो हमने मुझे वो, कर मुझे वो करने नहीं दिया ज़रे ने पर ये के चले अह हम लोग साथ करते हैं आज मुझे पहले तो वॉइस नहीं आए यार क्रिकेट प्लेयर्स

फिर मैंने देखा कि मेरी एक स्टूडेंट है वहां पर और मतलब ऐसा टाइम पे बड़े बच्चों की तरह उनको पढ़ाया तो मैंने मैं फिर मैं रुक गया अब मसला यह था कि आ, ड्राइवर और उनकी लड़ाई और मानने के लिए तैयार नहीं तो बस वहां पे वो किया आमिर भी आ रहे थे आपकी चीजें लेने के लिए तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे कम अज कम वो करें यार हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ते और तो ये कि उनका मसला हल किया फिर मैं पहुंचा तो मुझे इसलिए

उसके हवाले से कुछ हम डिस्कस करना चाह रहे so, तो ना, तो आप हैं। तो अब आप मुझे यंगस्टर्स जिनको अल्लाह ने बहुत अच्छे लोगों में रखा अल्लाह का बहुत फजल अल्लाह का बहुत करम है क्योंकि जब मैं अपनी एज के लोगों को देखता हूँ या मैं जो अपने दोस्तों से ही मिलता हूँ जो दीन की तरफ इतनी इनकलेशन नहीं है उनकी तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं एक बात बार बार करता हूँ कि मेरी वालदा का एक कॉन्स्टेंट पुश था मैं मैं कभी भी दीन में नहीं था मैं अभी भी आपको ये कहता हूँ कि वजह भाई मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ मेरे लिए दुआ किया करें मुझे मोहब्बत बहुत है अल्लाह के दीन से मैं अपॉलोजेटिक नहीं होता लेकिन मैं स्ट्रगल करता हूँ लेकिन जब मैं देखता हूँ ना वो लोग जो दुनिया में है और उनके लिए क्या छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं वो किन मसलों में पड़े हुए हैं रिलेशनशिप्स में अपने आप को जो है कंज्यूम कर रहे हैं अपनी एनर्जी आ, हराम चीज़ों में ड्रग्स के बारे में हुँ. बात कर रहे हैं तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत छोटी उम्र से जो है ना इन सब चीज़ों से बचा के जो है ना ऐसे लोगों में रखा जिनसे मैं अल्लाह के देखिए या करीबी लोगों से प्यार नहीं मिलता तो आपको तो घर में भी प्यार मिला है और हमसे भी प्यार मिला है तो वह बाहर प्यार की ढूंढते हैं अल्लाह बाहर से भी आपको बहुत प्यार दे <laughs> माशाल्लाह से नहीं है देखिए हम हम सब स्ट्रगल करते हैं और ये बात हम सबसे पहले एज बात रियलाइज कर लें कि देखिए uh, हम परफेक्ट इंडिविजुअल्स नहीं है वी वो नेवर मेंट टू बी परफेक्ट। अल्लाह की जात परफेक्ट है और अल्लाह uh, सुबह अंदर एक डिज़ायर डाली है टू बी एबल टू अचीव परफेक्शन एंड गोइंग टू बी परफेक्ट और ये इंसान की एक बेहतरी है टू बी डिस योर सेल्फ इज अ गुड साइन मकसद दीन की गोइंग थ्रू टफ टाइम्स बट एट द सेम टाइम आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि इस जनरेशन को अगर सही डायरेक्शन मिलेगी yes. इस डायरेक्शन इस, इस, इनके पास जो सलाहियत है, इनके, जो है hmm. इनके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है hmm. इनके पास जो अबिलिटी टू अडाप्टेशन है इनके पास जो क्लैरिटी है चीजों के बारे में अगर इनको ये चीजें मिल जाएंगी तो दिस जनरेशन कैन बी अ रीजन और सोर्स फॉर अ लॉन्ग पुश फॉर अदर जनरेशंस। सो इसी को समझते हुए हम माँ बाप को चाहिए कि आप किस तरफ लगा रहे हो अपनी औलादों को True. आप जनरेशन किस सोच में लगा रहे हो आप कि जब किस्मत में है उस आसमान को छूना जिसके बारे में अल्लाह सुबहाना तला ने आपके लिए जन्नत की बात की जन्नत के आसमानों को आप पहुंचने की बात है तो फिर अपने छोटे से ज़िंदगी के के पर्पस पर्पस और और विज़न क्यों बनाते हैं कि मैंने मैंने बस बस एक 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 गाड़ी ले लेनी है, मैंने एक लेनी है, है, लड़की से शादी कर मेरे बस एक घर हो जाए, मेरे बस हो जाए, जाए, मेरा तो आप अपने, आप अपने बड़े पर्पस के लिए निकालो और जी जी। जी की डिजायर की दिज, भी पैदा करें बड़ा जबरदस्त आपने रहा था जनरेशन लॉस्ट है डिस्ट्रॉयड है बट तो आपने बड़े अच्छे इनके प्लस पॉइंट्स के अडेपटेशन की एबिलिटी है और क्लैरिटी है फिर शॉर्टकट्स बड़े पता हैं रिसर्च ओरिएंटेड हैं वगैरह वगैरह तो आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डायरेक्शन अगर ठीक हो जाए तो इस हवाले से बस मैं ये कि इस जनरेशन को मैसेज अभी देना चाहूँगा कि देखो आपके पेरेंट्स हो सकता है आप उनसे रिलेट ना कर पाओ बिकॉज ऑफ अ जनरेशन गैप बट एट द एंड ऑफ द डे they are very concerned about मतलब मैं तो जितने पेरेंट्स से मिला हूं ना वो जेन्युइनली कंसर्न हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई हो उन्होंने टाइम ना दिया हो लेकिन लेट इट गो कभी-कभी हम लोग भी ना बड़े वो हो जाते हैं यानी रिजिड हो जाते हैं हुँ. कि नहीं इन्होंने तो मुझे ये कहा था हम फिर वो दिल में लेकर बैठ जाते हैं तो लेट इट गो और अपने पेरेंट्स की बात सुन लिया करें बेहतरी की बात ही कर रहे होते हैं हो सकता है आपको बातें सख्त लगें लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो फादर बड़े कंसर्न थे जो मुझे प्लेन में मिले अभी मैं जरेन को बता रहा था और वो बच्चों के बारे में बड़े कंसर्न थे अपनी बेटी के बारे में तो थे ही माशाल्लाह लेकिन ऑल फॉर डॉटर कि माशाल्लाह वो तो खुद बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं कुरान हिफ्स कर रही हैं स्काफ पहनती हैं माशाल्लाह तो वो तो खुद इनिशिएटिव ले रही है बच्ची अल्लाह उसको मजीद बरकत दे बट ही वाज जनवरली कंसर्न फॉर ऑल द यूथ कि इनका बनेगा क्या अली भाई तो आप ना इस पे को पॉडकास्ट जरूर करें इनको नसीहत करें कोई तो आई थिंक वी शुड डिस्कस वजी भाई के uh, क्या करे ये जनरेशन हाउ कैन दे कम आउट ऑफ दिस दिस बबल एल जी का फितना चल रहा है फिर हराम रिलेशनशिप्स फिर सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह वगैरह। जो है ना मैं देखिए मैं ये बात हमेशा ये बात बोलता हूँ कि खाली हमारी जनरेशन को बताने से नहीं होगा आई थिंक हमारी जो सीनियर्स हैं हमारे पेरेंट्स हैं हमारे यंगस्टर्स हैं टीचर्स हैं हमारे पॉलिटिशन हैं हमारे जो इंफ्लुंस हैं ये मिल के काम करेंगे तो एक डायरेक्शन uh, होगी क्योंकि दिकुल, दिकुल। आ, हम जो uh, काम कर रहे हैं या हमारे लाइक like माइंडेड लोग जो काम कर रहे हैं बहुत थोड़े से हैं बहुत कलील uh, है, है और जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनकी अक्सरियत ज्यादा है और हम देखते हैं कि जैना की हम जब इन्फ्लुंस करने की कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं रसाई हम अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम Uh, ऐसे uh, प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्में ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हम हमें देख सकें वो right. uh, हमारी बात को भी नॉर्मलाइज करें यह देखिए क्योंकि उनको पता नहीं है वो समझते शायद यही बात सही है क्योंकि आम वही बात होती है तो एक नेटवर्क होना चाहिए जब मिलके सब करें hmm. और इन यंगस्टर्स को कॉन्स्टेंटली देखिए नरिश करने की ज़रूरत है hmm. असल में मसला सि, सिर्फ ये है कि देखिए जो एजुकेशन सेक्टर है मीडिया है सब कुछ है वो उनकी एनर्जीज को इस गलत जगह पे यूटिलाइज कर रहा है और उससे क्या होता है जब तक उनके अंदर वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन डेवलप होती है जब तक उनका फ्रंटल लोब उस मच्य ट्वेंटी नाइन एज तक पहुंचता बोलता है यार मैंने तो अपनी सलाहियतों को जया किया mm -hmm. मैंने अपनी फाउंडेशन ही नहीं, नहीं बनाई तो राइट नाउ आई थिंक एज पेरेंट जैसा आपने बात बोले ना फादर की बड़ा कंसर्न था एवरी पेरेंट हैज दिस रिग्रेट राइट कि यार मैंने शायद बच्चे की तरबियत सही नहीं की यार नहीं। मैंने यार ये बात कर दी मैंने शायद शुरू के चार साल वो कर दिए आई थिंक हमने उनकी फाउंडेशन को वो करना है हमें पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि अपने बच्चों को इन एरियाज में अपने वो करें कि क्रिएटिविटी के में जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था पिछले चार पांच सालों में Uh, जो एलिमेंट्स आएंगे जिनको आप फेस कर सकते हो उसमें अगर आप अपनी इन्वेस्ट करते हो नंबर वन इज क्रिएटिविटी इट नेवर गोज फैशन वाई बिकॉज क्रिएटिविटी इवन ए गया क्रिएटिविटी इज नॉट समथिंग इज गो अवे यू अलाउ टू टू बी एबल अनलर्न एंड लर्न एक्टिव लर्निंग दूसरी चीज अपने अंदर एक्टिव लर्निंग डेवलप करें बिकॉज आप ये बात याद रखें चाहे आप मीडिया के सोर्स में है चाहे आप किसी और में आर्ट्स में यू हैव टू बी एबल टू एंड बी एबल टू लर्न एंड बी एबल टू फाइंड न्यू वे ताकि आप ना उड़ा दिए जाओगे

बिकॉज आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो और आपके साथ रह के लोग आप बहुत अच्छे अभी मैं रिसेंटली एक आ, वीडियो देख रहा था कि एक आ, हमारे स्टूडेंट ने शेयर किया था कि बहुत सीनियर टीचर थे एजेबर पढ़ा रहे थे और ऑडियो में पढ़ा ऑडिटोरियम में बता रहे थे और बंदे ने माइक लेके हिम्मत की और कैप्शन था कि फाइनली सम वन सैरिट उसे बोला कि सर मैं आपके कितने घंटे वर्कशॉप में बैठा मैंने आपकी एक चीज़ नहीं सीखी

तो आप अपने आप को चीजों में इन्वेस्ट नहीं करोगे और अपने आप को एक बेहतर इंडिविजुअल नहीं बनाओगे और हम अपनी स्कूलिंग स्ट्रक्चर्स को हम अपने लर्निंग प्रायोरिटीज को हम अपनी लर्निंग ग्राउंड को, को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो नहीं होगा मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ दुश्मन ने आपके साथ एक बहुत बड़ा काम किया दुश्मन ने आपको आपका ग्लोरिफाइड पास्ट आपके सामने रखा ही नहीं है जी तो आपको ये तमन्ना ही नहीं डिवेलप हुई कि यार मैं उसको वापस रिगेन करने की को कोई कोशिश करूं इनफीरियोरिटी इनिटी नहीं आपने रेकनाइज तो, ही नहीं किया ना कि आपके अंदर यह सलाहियत थी अगर मैं आपको यह ना बताऊं कि आपकी नसब में एक ऐसा था कि वो बादशाह थे वो कॉन्करर्स थे उनकी एक वो लेगेसी थी और मैं बोलूं आपकी हिस्ट्री शुरू होती है पाकिस्तान की हिजरत से आप बोलोगे यार आई आई नीड नीड टू बी द वन जो इस लेगेसी को रिवाइव करे बिकॉज मेरी नसब का एक मामला है तो पाकिस्तान और मुसलमानों के बाकी लोगों को सिखाया नहीं गया कि मुसलमान उम्मत ने क्या किया Hmm. आप बोलते यार किया तो इस, उम्म, इस उम्मत ने किया है <laughs> तो फॉलो करने वाले बनते हैं। हमारी hmm. तो ये लेवल है ही नहीं तो आपको जो पता रहेगा कि नहीं आप यहां थे और बाकी लोग आपसे इतने आए तो आप बोलोगे यार नहीं अब मुझे इधर से भी ऊपर जाना है यू यू रियलाइज दू कैन एक्चुअली रेज द बार तो दिस जनरेशन नीड्स टू बी डिरेक्टेड प्रॉपरली एंड मैं ये बात नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ही नो इट ऑल हूं hmm. मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि यार पर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी एक और चीज करनी है हुँ, हुँ. तो माशाल्लाह से आप तो अली uh, काफी इंटरेक्ट करते हैं काफी आपको सुना जाता है uh, हम छोटे लोगों से uh, <laughs> अल्ला। <ना>। अल्ला। <laughs> मैं लोग तो टॉपिक चेंज करके बोलता ज़िए कि ज़िए अली की तरफ आके तो <laughs> <मेरी लोस्टिंग> <laughs> <laughs> आप आप, आप करते हैं uh, 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 you know, जैसे बोलते हैं ना कि यार पहले मसला तो समझो गुजर क्या है उससे वाजी भाई मसले तो बड़े हैं आ, लेकिन ये कि मैं यही करता हूँ कि सुनता हूँ उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ उनके प्रॉब्लम्स को मुझे जो प्रॉब्लम्स आ जाके समझ आए ना वो दो हैं एक शहवात और दूसरे शबुहत यानी कुछ मायूस हैं कुछ टोटली Hmm. वो कहते हैं हम इतना दूर चले गए क्या ब्रिटर्न जाना बड़ा मुश्किल है हम इतने आदि हो चुके हैं इन hmm. चीजों खुले आम मुंह पे कहते हैं ऑन दी अदर हैंड सम आर एक्चुअली डाउटफुल अबाउट द रिलीजन के पता नहीं इस्लाम हक है कि बाकी रिलीजन कोई हक हो और इसमें पेरेंट्स का थोड़ा सा कसूर ये है hmm. कि वो बच्चे को इंस्पायर नहीं करते टूवर्ड्स रिलीजन hmm. थोपने की कोशिश करते यानी सम हाउ दे आर इन दलूजन के ये बिल्कुल वही जनरेशन है जो हमारी थी जैसे वाले डंडा लेके जो है ना वो कुछ समझाते थे तो बच्चे समझ जाते थे तो ये तो अबू जी अम्मी जी वाली जनरेशन जेनरे ये तो फोर जी फाइव जी हाल जनरेशन है इनकी तरबियत वहां से हो रही है तो मैं दोनों साइड्स को सामने रखते हुए कोशिश करता हूँ बच्चों में कुछ सेंस डालू कि देखो बेटा ठीक है पेरेंट्स तुम्हारे शायद सख्ती करते हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही जो मैंने पहले बात की यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं एक बच्चा था स्मोकिंग करता था उसके फादर ने कहा भाई इसकी काउंसलिंग आप कीजिए काफी होता और वो ये कर रहा होता जो तुम कर रहे हो, line, तुम उसे क्या करते स्मोकिंग के हवाले से उसने कहा कि डेफिनेटली मैं उसे रोकता तो मैंने कहा इसका मतलब तुम्हें पता है गलत चीज है और ये तुम्हें गलत साइड की तरफ ले जा रही लेकिन तुम क्यों नहीं कर पा रहे तो फिर वो खुला उसने कहा बस डिप्रेशन होती है और मेरी कंपनी बुरी हो गई फिर ये कि पेरेंट्स डांटते हैं तो मैं अपनी डिप्रेशन निकालने के लिए इस तरफ चला जाता हूँ hmm. तो देखिए वी हैव टू एम्पावर देम हमने खुद उन्हें समझाना है कि भाई अपने मसलों को खुद समझो एंड नाउ बी अ मैन यू यू आर मेच्योर अब डोंट बी अ बॉय अब बड़े हो जाओ तो अलहदुल्लह काउंसलिंग uh, से काफ़ी इफेक्ट जो है ना वो आता है और जो आपने बात की वजी भाई कि वे रियली नीड टू क्रिएट रोल मॉडल्स

बच्चों को समझना चाहिए सबसे पहले कि आपके माँ बाप ने जो पेरेंटिंग की है उन्होंने उस लिहाज से किया है जो उन्होंने बेहतरीन समझा है सही और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ देखिए तीन जनरेशन हैं आपसे दो जनरेशन पहले उस जनरेशन ने एक इंडस्ट्रियल सफरिंग देखी हुँ, हुँ। क्राइसिस देखा रिसेशन देखा और उन्होंने अपनी औलाद को उस मीन में तरबियत की कि यार हैंड टू माउथ है बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसका नतीजा ये हुआ कि जो उसके बाद वाली जो जनरेशन उसने बोला कि यार आ, मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए उन्होंने अपने आ, बच्चों को आ, अच्छी चीजें दी उन्होंने बोला कि अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए मेरे बच्चे को किसी कमी नहीं होनी चाहिए हमारे माँ बाप ने यह बोला यार लाड प्यार से रखा इस तरी भी नहीं करो तो वो बिकॉज उसके दे, बाद जो जनरेशन डेवलप हुई उसने बोला यार मुझे क्यों मोबाइल चाहिए तो पच्चीस ना ना हजार अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ क्वालिटी फॉर एनीथिंग एवरेज तो आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है की ये बहुत अवेयर रखने वाली बहुत ही आ, समझ रखने वाली जनरेशन बिकॉज इसके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपको छह साल लगे थे इनको कुछ महीनों में वो चीज समझ में आ जाती right, है। right. ये नहीं जाएंगे उस लंबे प्रोसेस प्रोसेस में में जो आप इनको से हो, uh, 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 yes, साथ इश्यूज भी हैं। उस इश्यूज को डील करने के लिए हमने देखना है कि व्हाट इज द कोर इशू रिगार्डिंग इट हमने जो जेनरेशन बना दी है ना वो एक वाली जनरेशन hmm. बना दी है hmm. हमारे बच्चों के कार्टून ब्रेन

है जो लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि हमारा हमारी कोताहियां कितनी है लेकिन हमने उसमें सिर्फ एक चीज को किया तो लोगों ने उस चीज को फौरन अडेप्ट किया जिससे पता चलता है कि यंगस्टर्स कभी दीन को सुनने के लिए इनकार नहीं कर रहे थे वो क्रिटिकल एनालिसिस को बेसिस के ऊपर चीजों को समझने के तैयार थे उनको अच्छी गैदरिंग की कमी नहीं थी आपने दिया ही उनको बुरी गैदरिंग right.

Uh, और आई विल लाइक टू कोट योर एग्जांपल एक्चुअली कि माशाल्लाह आई हैव सीन आपका लडकपन से लेके अभी तक माशाल्लाह अभी भी, भी लडकपन है लेकिन ये कि माशाल्लाह लडकपन से छडकपन <laughs> <laughs> मैंने खुद देखा माशाल्लाह कि आपने आप आपका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ इल्म की तरफ आप क्लब हाउस भी वो जो ऐप है वहां जाया करते थे

करीबी ताल्लुक है और मुझे आई थिंक हर इंसान जो है ना जब आप यंग होते हो ना तो आप किसी ना किसी को आइडियलाइज करते हो ठीक है हुँ. या तो आप टॉम क्रूज को आइडियलाइज करोगे या आप शाहरुख खान को आइडियलाइज करोगे सही ये जिस तरह का आपका सर्कल होगा ना उसके लोग जिस चीज को आइडियलाइज करेंगे आप भी उसको आइडियलाइज करोगे तो लकीली मेरा जो सर्कल था वो दीन को आइडियलाइज करता था स्कॉलर्स को आइडियलाइज करता था और शुरू में मुझे भी कभी दीन से इतनी मोहब्बत मैं मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मुझे दीन से मोहब्बत नहीं थी सही मैं आई वाज वर्किंग विद डीसी मैं हॉलीवुड uh, के लिए काम करता था मैंने पोस्टर्स बनाए मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करता था मैं बड़ी, बड़ी मतलब इस तरह की चीज़ों में था कि नहीं मैंने दुनिया में जो है ना क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह तला ने टैलेंट दिया हुआ है उस वक्त शायद इस चीज़ का वो था कि मैं जो है ना इस चीज़ में uh, करूंगा और इस चीज़ में पढ़ूंगा लेकिन मेरी अम्मी जो थी मुझे दीनी सर्कल के साथ कनेक्टेड रखती थी क्योंकि उनको पता था कि इस सोहबत से जो है ना इंटरेस्ट डेवलप होते हैं तो उस सोहबत के साथ चार पांच साल गुजारने के बाद उस चार पांच साल भी मैं इवन दो आई वाज इन यूथ क्लब लेकिन आई वॉज इन इन दीन आई वॉज इन रिलीजियस आई वॉज इन प्रैक्टिसिंग नमाज भी कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी अच्छा। लेकिन वो चीज जो है ना एक, एक 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 बड़ा ग्रेजुअल रियलाइजेशन थी

तो आप जो है वो आ, फिर एक सही राह पे चल पड़ते। यानी बच जाते हैं किसी बच जाते किसी तो, तो जिंदगी में एक अच्छा भाई होना एक होना। वो आपके अबू की सूरत में हो सकता है आपकी अम्मी की सूरत में हो सकता है वो कोई भी हो सकता है जो आपको बताए सही गलत आई थिंक आपकी अम्मी का बड़ा रोल है बहुत बहुत बड़ा रोल है एक अम्मी का और एक यूथ लव वाली अम्मी का आई थिंक विदाउट लव मैं देखिए मैं किसी को आप बैठ के दस बातें लेक्चर समझा दें बट आप किसी के साथ बिल्ड नहीं करेंगे ना hmm. आप उसको देखिए एक होता है क्रूल टू बी काइंड अंग्रेजी की कहावत hmm. है hmm. Uh, हमें बचपने में स्कूलिंग में हमारी प्रिंसिपल थी मैंने ऐसी जगह से पढ़ा जो एक नॉन मुस्लिम नॉट जस्ट नॉन मुस्लिम बट ये फायर वर्शिपर्स पारसीज जोरेस्टर रिलीजन को फॉलो करने के लिए जोरिस्टानिजम को फॉलो करने वाले लोग थे तो हमारी प्रिंसिपल होती थी बड़ी सख्त थी <स्था> और उनका उनको आयरन लेडी कहा जाता था अब तो उनकी डेथ हो गई है और उनके हाथ में केन होती थी लिटरली वो बॉय स्कूल को मैनेज करने के लिए तो बड़ी पिटाई खाई है उनके हाथ से <स्याँगा> और वो अच्छी तरीके से इंग्लिश एलुक्यूशन का दिन था और रिजल्ट आ रहा था तो जब हम हॉलवे में थप्पड़ मारा था अच्छा। मुझे मैं जीव गया हूं। अच्छा। ये उनका प्यार करने का था। तो मैं ही बता रहा हूं कि मुझे ये बात पता थी कि अगर मार रही है ना तो ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं मार रही या इनका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में नहीं ये डिसिप्लिन करने के लिए तो माँ बाप का फ्रस्ट्रेशन में और एक ऐसी गुस्से में आके मारना कंसर्न में माना बच्चा ये बात समझता है। बड़े का का जो ताल्लुक होना वो एक मोहब्बत और शफकत और तरबियत का एक, एक बच्चे को पता हो है, सख्त है ये मुझसे चिड़ नहीं रहे दे बट दे बच्चे ये बात समझ जाता है तो आप अगर उसके साथ कंसर्न रखेंगे और आप उसके साथ अगर ये बैलेंस एस्पेक्ट रखेंगे बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा आप उसको डरा देंगे भगा देंगे वो कभी आपसे रिलेशन नहीं बिल्ड करेगा वो आपसे ओपन अप नहीं होगा तो आप अगर एक बच्चे को ताल्लुक बिल्ड करते हैं उसके साथ वो करते हैं उसको तरबी बताते हैं बिकॉज एट द सेम टाइम यू आर नॉट बीइंग देयर बडी उनके साथ यारी नहीं कर रहे आप सही उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं बहुत फर्क है यारी में बहुत कैजुअल कैज ने सुराम काम भी कर ले कोई मसाला नहीं मैं तेरे साथ हूं ना और एक दोस्ती होती है नहीं यहाँ पे तुम्हारी लाइन है दिस इज नॉट वेर गुड तो पेरेंट्स नीड टू डू दिस एल्डर्स नीड टू डू दिस

वो बिजी होते हैं वो समझते हैं कि वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो घर जो है ना चला रहे हैं वो घर में प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपनी बहनों को देखता हूँ अल्लाह के पॉडकास्ट ना देखें वो ये <laughs> वो अपने बच्चों को मोबाइल पे लगा देती हैं और फिर बच्चे के अंदर एडजिटेशन आ जाती है <laughs> या बदतमीजी करने लगते हैं फिर उल्टा उनको डांट रही होती स़ी. है जब आपने वो टाइम दिया ही नहीं जब आपने वो ताल्लुक बिल्ड किया ही नहीं तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा वो टैबलेट के लिए रोएगा वो टैबलेट के लिए मारेगा वो टैबलेट के लिए जमीन पर खुद को रोल करेगा क्योंकि आपने उसको वो ताल्लुक दिया ही नहीं उसको आपके साथ बैठ के वो वो मजा आता ही नहीं है उसको आपके साथ बैठ के वो सुकून मिलता ही नहीं तो है तो उसको वो सुकून वो फिर वो टैबलेट में ही देगा फिर दो आप उसको टैबलेट तो वो रिलेशन बिल्ड करने वाला हमारी जनरेशन के टीवी के सामने बिठा दो आ,

तो उनके बच्चे भी छह बच्चे हैं माशाल्लाह तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के नाम से पॉडकास्ट है उसमें उन्होंने कहा कि देखें आज के बच्चे को कंट्रोल करना है ना उसे सुपर बिजी कर दो स्केजल आपने बना के देना है उसे कि बेटा अभी तो आया है चल अब ये कर अब ये कर अब ये कर अब स्पोर्ट्स क्लब जा तो पेरेंट एबसेंट है तो फिर वो कौन उसका स्केजूअल बनाएगा कौन उसकी रूट वो खुद बनाएगा खुद बनाएगा तो वो उसमें अभी इतनी अकल ही नहीं जैसे आपने कहा था तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट और बस मैं लास्ट इनपुट यही देना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैं एक यूनिवर्सिटी गया नामनी लूँगा तो वहाँ की जो वन ऑफ द लेक्चरर्स वो फीमेल मेरे साथ बैठी और uh, उन्होंने लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे उन्होंने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जना किस तरह फैल रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इट्स लाइक अ हैंड शेक इट हैज़ बिकम सो कॉमन सो कैजुअल और शी टोल्ड मी समथिंग शॉकिंग शी सेट कि व्हाट्सएप पे निकाह हो रहे हैं यानी लड़के लड़कियां जो है ना वो निकाह कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और उसके बाद जो है ना वो गवाह भी बना लेते हैं वली भी ले आते हैं मैंने कहा वली किसे बनाते हैं औरत का तो वली बाप दोस्त वली दोस्त जो है वो गवाह बन जाते हैं वली बन जाते हैं और कुछ लोग इवन टेम्पररी मैरिज प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्टल्स में रहते हुए यानी वेयर आर दे गोइंग और माँ बाप जो है वो सोए हुए यानी माँ बाप लिटरली एज इफ के वो चाह रहे हैं कि बच्ची डॉक्टर बन जाए बच्चा इंजीनियर बन जाए कोई बात नहीं जानी भी बन जाए ये है असल में ये एटीट्यूड है मतलब कौन है यार के हॉस्टल्स में आप भेज रहे हो उस एनवायरनमेंट में आप भेज रहे हो और बिल्कुल आपने बच्चों को छोड़ दिया तो ये बड़ा अलार्मिंग है तो यहाँ पे मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए अपने आप को बचाओ और यू कैन डू इट तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ये बहाना है कि जी नहीं दौरे फितन है दौरे फितन तो है लेकिन मैं थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स कोट कर सकता हूं जो नजरों की हिफाजत करते हैं जो बचा रहे हैं अपने आप को वो हैव रियलाइज के भाई हमें अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है हमने एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनना है ताकि कल को हम एक फैमिली चलाएं ट्रू और कल को हम जो है ना वो एक जिम्मेदारी के साथ जिंदगी गुजारें अभी पिछले दिनों ही मैं एक यूथ की काउंसलिंग वजू भाई कर रहा था तो मैं उसे यही समझा रहा था कि बेटा तुम अभी से रो रहे हो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है छोड़ो ये चंचले छोटे-छोटे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ मेहनत करो अपनी सेहत बनाओ नींद पूरी किया करो ठीक है ना एक्सरसाइज किया करो कल को तुमने पूरी जनरेशन जो है वो रेस करनी अल्हम्दुलिल्लाह hmm. बड़ा मोटिवेटेड हुआ hmm. इस बात से तो आई थिंक कि ये मोटिवेशन हमें देनी चाहिए ट्रू आई थिंक वी नीड टू टेल दिस जनरेशन कि आप केएबल हो बहुत बड़े-बड़े काम करने hmm. के हमने उनको लगा दिया छोटे काम में या yeah. कि तुम्हारी जिंदगी में बस यही चीज करना तुम्हारा डिग्री आ जाएगी yes. कुछ yes. ग्रेड्स आ जाएंगे और कुछ हद तक तुम अच्छी नौकरी कर लोगे तुम्हारी जिंदगी का मकसद यही है राइट वी नीड टू गिव पर्पज जब हम पर्पज देते हैं ऐसा बड़ा मकसद देते हैं तो इंसान उसके लिए स्ट्राइव करता है True. और एट द सेम टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को आ, ये बात सिखाएं कि चीजों की वैल्यू का अंदाज़ा रहे बिल्कुल जब चीज़ों की वैल्यू की तरबियत देंगे तो उसके लिए उनकी उसकी कदर करेंगे जो अल्लाह नियमत देंगे उसकी कदर करेंगे हम आज बड़ी रात है तो हम ये बात बोलते हैं कि देखिए दुआ करें इस जनरेशन के लिए इस उम्मत के लिए आपने अगर आज रात इबादत करनी है अल्लाह सुबहान तला ने आपसे बहुत ज्यादा इबादत का मामला नहीं रखा और जैसे मेरी वालदा कह रही थी ना आज जब मैंने बोला कि मैं रुक गया था उस लड़ाई को रोकने के लिए तो मेरी वालदा ने बोला कि छोड़ दिया करो बेटा क्या तो मैंने बोला माँ मैं इतनी बातें करता हूँ और मेरी क्या नेकी सिर्फ यही है कि मैं रोज़ा रखूं नमाज पढूं लेकिन अपने किसी को मुश्किल में देखूं तो क्या मैं उसकी मदद ना करूं तो क्या ये मेरे साथ भी नहीं हो सकता तो क्या मैं उस बात के ऊपर अमल ना करूं कि जो लोग हमें मुश्किल में मिलें तो हम उनकी मदद करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात से आगे बढ़कर इस जनरेशन को बताएं कि आपने लोगों के लिए काम करना है और इस सोसाइटी uh, को बेहतर करना है इस मुल्क को बेहतर करना है सो दिस इज़ वट वी नीड टू रियली थिंक अबाउट So, आज का समारा जाते जाते अगर आप कुछ बात कहना चाहें कोई मैसेज देना चाहें कि आज की रात आ, क्या करना है कैसे इबादत करनी बिकॉज कुछ लोग मैं नीचे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि आ, कुछ आज की रात के बारे में बता दें क्या इबादत करनी है कैसा क्या करना है uh, पहली ताक है तो अस्कार, अस्कार मैं कहूँगा कि वो जिक्र असकार जिनकी फजीलत बहुत ज्यादा है जो टाइम कम लेते हैं लेकिन ये कि जैसे सो, सौ बार सुफान अल व भी टाइम कम लेता है लेकिन उसकी फजीलत इतनी ज्यादा है कि झाग समंदर के झाग जितने भी गुना तो माइनर सेंस अल्लाह माफ़ कर देंगे इस तरह दरूद इब्राहिमी है इस तरह अल्लाह सुफहान अल्लाहदिल्ला वाला वल्लाहु वा अकबर और ला लालांता सुफ़ान का इनकी गुंतु में नजारूँ यानी प्लान करके ना कितने टाइम्स वो आप खुद ही सोच लें हंड्रेड टाइम्स पढ़ना है आपने कितना पढ़ना है फिर यह कि कुरान की तिलावत करें क्या करें इनशा और दुआ बहुत ज्यादा करें टुडे कुड़ बी द नाइट के जब आपकी दुआ जो है डेफिनेटली कबूल हो तो दुआ पे बहुत हुँ। हुँ। फोकस करें हमारे ड्राइवर का फोन आ रहा है और अच्छा, दुआ <laughs> है कि आज की रात हमें इबादत करने की तोफ़ी अदा करे और अल्लाह तआला उस इबादत को बेहतरीन वजन अता करे मीज़ान के अंदर और अल्लाह सुबहान ते कदर नसीब करे और अल्लाह तआला इस उम्मत की बेहतरी के लिए इस इंसानियत की बेहतरी के लिए हमें इस्तेमाल कर ले और अल्लाह सुबाना तआला हमें इतना दे हलाल का दे कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े और अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान हमें मुखरस रखे अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के साथ कुरान के साथ इस उम्म मुस्लिम के साथ और अल्लाह साल हमारी कोशिशों को कबूल करे अल्लाह आप सबको जजा खैर अदा करे कि आप लाहौर से आए हैं दीन के काम के लिए अल्लाह उसको दीन के काम में लिखे और मेहनत में लिखे और अला सुबाना तौर आपको भी जजा खैर खेर करे आपके माँ को जजा खैर अदा करे अल्लाह तमाम लोगों को जो सुनने वाले हैं अल्लाह उनको जजा खैर अदा करे कि अल्लाह सुबाना तौर आप लोगों को तोफी दे और अल्लाह सुब उस तफ़ी पर कायम रखे जजाक खैर